इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है बुलंदशहर से। जी हां, बुलंदशहर खुर्जा में बदमाशों के हौसले बुलंद। पेट्रोल पंप के मालिक से एक्टिवा, सोने की चैन और 89,000 रुपए की लूट। रात में पंप से कैश लेकर वापस घर लौट रहे थे सतीश। स्कूटी सवार तीन लुटेरों ने हथियार के बल पर दिया वारदात को अंजाम। घटनास्थल से गुजर रहे रास्तों के सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी पुलिस। खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र के नोबेल्टी मार्ग के पास हुई वारदात। एसआई में रात पंप से आ रहा था तो पंजाबी शमशान से लगभग 500 मीटर पहले जहां सब्जी वाले सब्जी बेचते हैं वहां पीछे से स्कूटर, एक स्कूटी वाला आए तीन, उन्होंने स्कूटी में पीछे से टक्कर मारी और टक्कर मारने के बाद मैं गिर पड़ा। उन्होंने तमंचे निकाले दो लड़कों ने और मेरे गले में से चैन, लगभग 90,000 रुपये, 89,000 रुपये पंप का कैश और मेरी स्कूटी, ये लेके चले गए। तहरीर हमने पुलिस को दे दी है। एसपी आर्य साहब भी रात घटना स्थल पर पहुँचे, उन्होंने जल्द से जल्द इसको इसका आश्वासन दिया है कि इसे हम शॉर्ट आउट जल्दी करेंगे। और मुझे पुलिस के ऊपर पूरा भरोसा है कि पुलिस टीम पूरी एसओजी वगैरह मौके घटना स्थल पर पहुंच। ये थाना खुर्जा नगर क्षेत्र में ढाकर गांव में एक सतीश चंद शर्मा जी हैं जो अपने वहां व्यापारिक कॉम्प्लेक्स से रात में वापस जा रहे थे तो 10:30-11 बजे के करीब तीन लड़कों ने स्कूटी से उनको ठोकर मार के गिरा दिया और उनके पास जो कैश आद था उसको छीन कर लेकर चले गए हैं। इस संबंध में स्थानीय पुलिस और स्वाट सर्विलांस की टीम और हम सभी अधिकारीगणों ने रात में ही छानबीन की और मौके पर तहकीकात जारी है और समुचित धाराओं में सतीश चंद शर्मा की तहरीर पर FIR दर्ज कर ली गई। अभी विवेचना देखते रहिए। DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।